तो बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था मुझे नाइन्थ क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता ओए सर पागल हो गए हो क्या मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया नहीं मैं कैश कर दूंगा आप पे मेरा वकील किधर है आयु बेटा चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ तुम्हारा कोई वकील नहीं है अच्छा दो मिनट रुको अभी बुलाता हूँ कर दिया मैंने मैसेज आ रहा है तुम तुम नहीं

लेकिन मैंने तो मजाक किया था ये तो सच में ही भाग गए सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से मैथ्स पर मुझे बचपन से भरोसा नहीं था एक बार फिफ्त क्लास में मैंने नौ का टेबल रटा था नौ घंटे लगा के अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे नौ का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है भाई नाव का टेबल कौन याद करता है यार तू ऐसे लिख सकता है नौ आठ सात छः पाँच छह तीन दो एक दो तो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ माँ कसम बता रहा हूँ उस टाइम वो बच्चा बस मुझे नौ का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था लेकिन न जाने की उस टाइम वो मुझे मेरे नौ घंटे की मेहनत पे मुद्दता हुआ नजर आ रहा था अरे नौ का टेबल कौन याद करता है इससे तो नौ और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है ये बच्चे ना अलग ही होते हैं इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है मोर की कॉपी में इनका पंख होता है इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं युवराज राजेश पाटीदार इधर आओ हाँ भाई मेरा सही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं ये बच्चे वन आवर पढ़ने के बाद मिनट का ब्रेक लेते हैं नहीं नहीं हमारे जैसे नहीं है कि सात घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है उल्टा सात घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है आर पार दिख रहा है सुपर पावर एंधे पढ़ ले चुपचाप ठीक है मम्मी अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है की कहा पर है चीज है वो पांच वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था तुम लोग को आम बात लग रही होगी की रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है अगर क्लास रूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी वो इतने टप्पे खाएगी वो पचास हजार बार टप्पे खाती है और नाइजेरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लास रूम में रबर ढूंढना लेकिन बंटी के बस की है बंटी कहीं से भी आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही ना तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत ला के देगा जनरल स्टोर से इसलिए क्योंकि बंटी के पास वन कार्ड था ना एक क्लासी मेटल क्रेडिट कार्ड जो की लाइफ टाइम फ्री है इसके एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ हो जाता है स्पैंड को ई एम आई में कन्वर्ट करना हर स्पेंड पे रिवॉर्ड अर्न करके उसको कैश में रिटर्न कर सकते हो फैमिली के साथ क्रेडिट कार्ड लिमिट शेयर करके उनके

के, के, चटके लगाता है। के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में पढ़ रहे थे हम दोनों बहुत टेंशन में थे मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते हे दोस्त क्या तुम मुझे वो कब दे सकते हो हाँ क्यों नहीं एक मिनट ये लो थैंक यू बदल गए फिर से बदल गए वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे ये देखो ये एक पांच रुपए का सिक्का है और ये गायब सिक्का रे बापरे कहा गया वो सिक्का वो सिक्का कहां गया और एक सेकेंड वो इंसान गया? और दूसरी तरफ बंटी है जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको पांच रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैपी है क्या बात हो सकती है नरेश भी और मेरे तो संबंध भी अच्छा है अरे ओ भंड इंसान पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा अबे उसमें मारने की क्या बात है दो मिनट रुक। ले बन गया बूमर और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता अभी बर्थडे पर साइकिल दिला रहे हैं उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा वैसे तुझे पता है अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा अच्छा हाँ अच्छा जी हाँ एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा अच्छा एक सेकंड

सच में अल्बर्ट तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है अल्बर्ट मेरा वो मतलब नहीं था अल्बर्ट कमोलट सास भाई उठा दे प्लीज मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुखी था मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड में आता था बस इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे राजू और मेरी कॉल पर बात हुई हेलो हेलो राजू हेलो हेलो आवाज आ रही है राजू हाँ राजू बेटे एक पराठा खाएगा कि दो मम्मी दो खाऊंगा हेलो uh, राजू वो बोले टमाटर की सब्जी बना दो ना हाँ मम्मी हेलो राजू मैं बोल रहा हूँ बेटे था। कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के ए, कच्चे मम्मी राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए फिर पक्के बना दो 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 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसकी मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं अब देखो मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर के खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी भाई हमको पता ही नहीं था की ऐसा भी कर सकते हैं हम उतने विकसित ही नहीं थे तब बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ अरे क्या स्वाद है समझ ही नहीं आ रहा हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है भाई देख ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है और सुन ये वाला झोला संभाल के रखना इसके अंदर अरे मेरा चश्मा की गया अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया देख के आता हूँ देख इस बैग के अंदर लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त मिटा दे एक बार और देख के आता हूँ एक बार और मैं पहली बार कब गया देख, आता हूं। देख इस के आता हूँ अपने पैसे हैं और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख लिया है ना भाले बंदूक क्यों बे अरे पागल उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो अरे ओ बंटी पगलेट ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेजोन के जंगलों में नहीं और बस कर मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा एक रात के लिए जा रहे हैं हम लोग रात में राजू के घर पहुंचते हैं पढ़ाई का सामान लेके और एक बड़ी सी पांच लीटर की थम्सअप की बोतल भी लेके जिसके अंदर थम्सअप भी नहीं है पानी भरा हुआ है क्यों किसी को नहीं पता बंटी लेके आया था और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा बाद में राजू ने थोड़ा फोर्स किया तो पता है ये भाग के बाहर गया और बॉटल के पानी से एक बकरे को भिगा के आ गया वो भी ठंड में और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भिगा के आया हो पूरा पांच लीटर भिगा के आया था भाई वो थम्सअप की बॉर्डर में पता है कितना पानी आता है वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है घर भेजाते हैं भाई लोगों के मैंने कहा भाड़ में गया यार मैथ्स मुझे पहले भंटी के बारे में जानना है खैर उस रात राजू के घर जो भी चीजें हुई उस मैथ्स एग्जाम के एक रात पहले जो चीजें हुई वो अगर मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बीस मिनट की हो जाएगी और बीस मिनट एनिमेशन बनाने के लिए ना ही मेरे पास पैसे है और ना ही तुम्हारे पास टाइम इसलिए इस वीडियो का मैं पार्ट टू बनाऊंगा वो भी स्टोरी टाइम ही होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो देखना मत भूलना वीडियो पसंद तो लाइक कर देना मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ना मैं और करूंगा। बंटी रिकॉर्डिंग नहीं बंद हुई अभी सॉरी मुझे लगा खत्म हो गई वीडियो और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा <laughs>